हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष। सो मार्केट अगेन ओपन डाउन और डोजी क्लोज हुआ है। क्या लग रहा है अभी यहाँ से, मार्केट और नीचे जाएगा क्या या शॉर्ट टर्म में बॉटम बना है और बाउंस बैक आएगा, क्या लग रहा है? सो आई एम गोइंग टू डिस्कस निफ्टी, बैंक निफ्टी, कपल ऑफ सेक्टर्स, स्टॉक्स डिस्कस करूंगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, वॉच इट। एंड इफ यू आर न्यू, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा ज्यादा लाइक करो, ज्यादा ज्यादा शेयर करो अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे। एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ, क्या रिजल्ट हूँ मैं। दिस इज माई हैंडल अंडर ट्रेंडोनॉमिक्स HD। और ट्विटर में अगर हाईलाइट सेक्शन में आओगे तो हाईलाइट सेक्शन में आपको मिलेगा फ्री बुक, इलियट वेव का कंप्लीट बुक फ्री है। और सेकेंड लिंक जो है हाईलाइट में, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो भी ज्वाइन कर लो आप। आई शेयर लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, लेट्स सी मार्केट क्या लग रहा है अभी, यहाँ से मार्केट कहाँ जाएगा, निफ्टी कहाँ जाएगा। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म वीव काउंट, वी हैव सेम वीव काउंट फ्रॉम मार्च 23। वी हैव डन वेव वन, यहाँ पे वेव वन बना, वेव टू बना, वेव थ्री यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा काउंट जो हमने सजेस्ट किया है। और फिर अभी मार्केट वेव फोर में नीचे जाना चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, नेक्स्ट 2 दिन में क्या होगा, क्या मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, क्या शॉर्ट टर्म बॉटम बना है? तो मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म बॉटम बना है। यस, वी स्क्वेयर्ड अवर शॉर्ट। हमने यहाँ पे शॉर्ट चालू किया था, यहाँ पे होल्ड रखा और यहाँ पे ऐड किया, और आज पूरा शॉर्ट फुल स्क्वेयर, कंप्लीट शॉर्ट स्क्वेयर, और छोटा लॉन्ग भी लेके गया हूं मैं। हाँ 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 नहीं, व्यू तो वही है कि फोर्थ वेव आएगा, फोर्थ वेव नीचे आएगा, करेक्शन आएगा, वो तो व्यू है, डेफिनेटली वही व्यू है, दूसरा कोई व्यू है नहीं मेरा, कोई अल्टरनेट काउंट अभी तो है नहीं। बट फिर शॉर्ट तो मैंने स्क्वायर कर दिया। मैं पोजिशनल तो अभी यार यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 दिन तो मैंने शॉर्ट होल्ड किया, और कितना पोजिशन होल्ड करूँ भाई। तो और देखो, बाउंस बैक तो आएंगे ना, बाउंस बैक तो आएंगे। ऐसा नहीं है ना कि भाई रोज मार्केट नीचे नीचे, लोअर टू लोअर सर्किट, ये क्या ऑपरेटर स्टॉक नहीं है कि लोअर टू लोअर सर्किट जाएगा मार्केट। मार्केट में बाउंस बैक भी आएंगे, पुल बैक तो आएंगे। यस, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है बाउंस बैक आ सकता है, शायद ये गैप फिल करने भी आए, या एक अच्छा खासा बाउंस बैक मुझे आते हुए नेक्स्ट 2 3 दिनों में दिखता है। तो मैंने शॉर्ट सारे स्क्वायर कर दिए, और मैंने छोटा माइनर पोजिशन लिया है, रिस्क लिया है, बट ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्क लॉन्ग फेवर करता है। बस मींस एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है आवरली पे, सपोर्ट जोन पे है, और इतने जल्दी ये सपोर्ट नहीं तोड़ेगा यार। आई मीन ये 22,125 का जो सपोर्ट है, जो पहले रेजिस्टेंस था, तो जो पहले रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट इतने जल्दी नहीं तोड़ेगा, एटलीस्ट मुझे नहीं लगता। यस, तो छोटा ही पोजिशन लेके गए, क्योंकि ओवरनाइट में क्या कुछ भी हो सकता है, गैप अप गैप डाउन, राइट। बट मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे बॉटम शॉर्ट टर्म बना है, और यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। दिस इज ऑल बेस्ड ऑन इलियट व्यू। देखो, मैं तो पूरा इलियट व्यू बेस पे ही ट्रेड करता हूँ। तो क्या है इलियट व्यू? सो सी बेसिकली, आपको इलियट व्यू सीखना है तो ये देखो, ये फ्री बुक से पढ़ लो आप इलियट व्यू पर एक बार, आपको पूरा कंप्लीट आइडिया मिलेगा। एक फ्री कोर्स है हमारा, वो भी कर सकते हो इलियट व्यू का, उसपे भी मैंने फ्री में सिखाया है सारे पैटर्न्स, बेसिक पैटर्न इलियट व्यू के। एंड फ्री ये जो लिंक है हमारे वेबसाइट पे है, डिस्क्रिप्शन में है, या फिर ट्विटर पे हाईलाइट सेक्शन में है, आप यहाँ पे आ जाओगे और हाईलाइट भी इंटरनेशनल की वेबसाइट पे रजिस्टर करके, और यहाँ पे आपको ये लिंक में या फिर यहाँ पे आपको बुक मिल जाएगा। और ये थोड़े बहुत आर्टिकल्स है उनके, वो भी अच्छे हैं, सो बुक पढ़ लो। इलियट वेव इज वंडरफुल। देखो, 22,700 को मैंने शॉर्ट पोजिशन लिया है यहाँ पे, 22,700 के आसपास, और मैं कॉन्फिडेंटली पोजिशन होल्ड किया। मैंने बोला नीचे ही जाना है, जाना ही है नीचे, और 600 पॉइंट नीचे आ गए हम, 600 पॉइंट नीचे आ गए। इट्स नॉट बैड बॉस, 600 पॉइंट्स ऑन निफ्टी विद इन 5 डेज, दैट इज अ गुड गुड ट्रेड, गुड पोजिशन, राइट। सो ये ऑल बेस्ड ऑन इलियट व्यू, मीन्स ऑल टाइम हाई को जब मार्केट है, तब कोई बोल सकता है कि 600 पॉइंट गिरेगा सीधा? नहीं, मीन्स मैं तो और नीचे बोल रहा हूँ, वो तो अलग बात है, बट ऑल टाइम हाई वाला मार्केट सीधा नीचे आ गया। दिस इज ऑल बेस्ड ऑन इलियट व्यू। तो इलियट व्यू इज वंडरफुल, आप सीख लो इलियट व्यू पूरा, ये बुक में मिलेगा आपको कंप्लीट इलियट व्यू पैटर्न्स, पर्सनालिटी। हाँ, लेकिन ट्रेड कैसे करना है
वो बुक में नहीं लिखा है, तो वो सीखना है तो यू कैन लर्न एट 1299 में रिकॉर्डेड कोर्स है हमारा, उसमें सीख सकते हो। अगर आपको प्राइस एक्शन नॉर्मल सीखना है तो प्राइस एक्शन सीख सकते हो। आपको दोनों सीखना है, इलेट व्यू प्राइस एक्शन, देन वी आर गिविंग एट 1699। दीज आर ऑल रिकॉर्डेड कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें आपको आप कभी भी आपकी सहूलियत से देख सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। यस, रिकॉर्डेड कोर्सेस है ये। एंड मेंटरशिप कोर्स में मैं लाइव पढ़ाता हूँ, इवनिंग बैच रहती है, और अभी आज से चालू होगी बैच। कल नहीं लिया मैंने कल, क्योंकि एक दो स्टूडेंट ज्वाइन करने वाले थे तो उनको टाइम नहीं था, तो आज से लेकिन बैच चालू हो रही है। सो दिस इज द लास्ट चांस टुडे, उसके बाद आपको सीधा नेक्स्ट मंथ ही मिलेगा, आज के बाद आपको चांस नहीं मिलेगा ये मंथ की बैच में। सो लेना है तो आज ही ले लो, वरना सीधा नेक्स्ट मंथ में सेकंड हाफ मोस्टली होगा, तभी आ जाना, राइट, मेंटरशिप बैच। अदरवाइज यू कैन लर्न दिस फर्स्ट एंड देन आपको लग रहा है मेंटरशिप करना है तो आप नेक्स्ट मंथ आ जाओ मेंटरशिप। सो लेट्स डिस्कस नाउ, राइट, क्योंकि देखो इलियट व्यू में आपको पूरा कैसे पोजीशन साइज करना है, कैसे पहले तो एंट्री सिस्टम है, एंट्री स्टॉप लॉस कैसे राइड करना है वेव, और कैसे उसको वैलिडेट करना है वेव्स को, ये सब चीजें आपको नहीं पता चलेगी जब तक आप नहीं करते हो ना। अब 5-6 साल तो कम से कम लगेगी ये सब सीखने को, मेरे को 7-8 साल लगे, वो अलग बात है। मीन्स ट्रेडिंग सिस्टम बनाने मेरा प्रिडिक्शन तो पहले 2 साल में ही मेरा प्रिडिक्शन बहुत सुपर्ब जा रहा था, लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं आ रहा था। तो मीन्स थोड़ा टाइम लगता है मार्केट में, राइट। सो क्या लग रहा है अभी मार्केट? सो आई थिंक यहाँ पे शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, यहाँ से एक बाउंस बैक आएगा। क्यों लग रहा है तो सिंपल है, देखो मैंने तो चार्ट भी डाला था, तो यहाँ पे देखो कल मैंने क्या डिस्कस किया था, फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव नीचे आएगा, और फिर यहाँ पे अपने को पता नहीं है कि फिफ्थ वेव कंप्लीट हुआ है कि नहीं, तो इसलिए कल हमने शॉर्ट्स कैरी करके गए थे। तो आज यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में मैंने शॉर्ट स्क्वायर कर दिया था जो कल लेके गया था, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद देखो ये दिन भर पूरा ऊपर नीचे कर दे रहा, ओके, 5 मिनट कैंडल देखते, ओके। सो फ्रॉम हाई यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, देखो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, और पहले लगा था कि यहाँ पे फिफ्थ हो गया तो नहीं, राइट, बिकॉज सी यहाँ से देखो दिस इज 1 2, ओके आई विल शो यू। सो व्हाट इज द काउंट इन फिफ्थ वेव, तो यहाँ पे फिफ्थ वेव एक्सटेंड हुआ, देखो 1 2 3 फोर फाइव, मोस्टली आज फिफ्थ वेव खत्म हुआ है अभी। ये और एक्सटेंशन होगा क्या, तो मुझे तो नहीं लग रहा अभी, मीन्स और एक्सटेंशन का थोड़ा चांसेस नहीं लग रहा है अभी। कितना एक्सटेंड करोगे यार, मरे हुए के और कितना मारोगे? तो थोड़ा बहुत तो बाउंस बैक आएगा मुझे लग रहा है, थोड़ा बहुत बाउंस बैक यहाँ से आना चाहिए मार्केट में, राइट, बिकॉज इट्स वे टू ओवरसोल्ड में गया है, और इसमें भी एक्सटेंशन भी बहुत हुआ है। सो आई थिंक यहाँ से बाउंस बैक बनता है, बॉस यहाँ से बाउंस बैक बनता है मार्केट में। वन गुड बाउंस बैक, क्यों? ओके, सो देखो मैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, ओके। अगर आप कोई बोलेगा यहाँ पे फोर्थ है, ओके यहाँ पे फोर्थ है, तो क्या गिनोगे आप फिर इसको, यहाँ पे 1 2 फिर, ओके, अगर आप ऐसे गिनते हो, देखो अभी मैं इलेट वेव सिखा रहा हूँ आप, ओके, इफ यू से दैट यहाँ पे फोर्थ वेव आपका खत्म हो रहा है, फिर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो ये थर्ड कहाँ से हो गया और ये फोर्थ किधर से हो गया? बस मीन्स ये तो ओवरलैप हो रहा है ना, ये तो पूरा ऊपर जा रहा है इसके, देखो तो मीन्स अभी और एक्सटेंस नहीं होगा, अभी और एक्सटेंशन नहीं होगा, यहाँ पे ही फोर्थ खत्म हुआ है और फिफ्थ वेव भी खत्म हुआ है अभी आज, लाइक दिस 1 2 3 4 5, अभी फिफ्थ वेव खत्म हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली फिफ्थ वेव खत्म हो गया है, और एक अच्छा बाउंस बैक आना चाहिए। क्यों? देखो अवरली पे क्या है, अवरली पे ओवरसोल्ड जोन में गया था, राइट, ओवरसोल्ड से ऊपर आ रहा है अवरली पे, तो क्या और नीचे जा सकता है? और नीचे जा तो सकता है, बस आइडियली देखो, आइडियली इलेट वेव अगर मीन स्ट्रेट वाइज हम कब बोलते हैं कि बॉटम बन गया और ऊपर बाउंस बैक देगा, तो जब ये फोर्थ वेव, ये जो स्विंग हाई है ना, फोर्थ वेव हमने गिना है, सब वेव फोर जो गिना है उसके ऊपर जाता है, तो ही हम बोल सकते हैं कि
बॉटम बन गया और मीन्स ऊपर जाएगा। लेकिन यार अभी कल सीधा गैप अप खोलेगा तो क्या होगा? तो देखो आपको लॉन्ग नहीं लेना है, मत लो, ऑब्वियसली लॉन्ग लेना है रिस्क है डाउन ट्रेंड में, बट शॉर्ट तो काटना है क्योंकि कल अगर गैप अप हो गया तो क्या करोगे? मीन्स इतना अच्छा प्रॉफिट आया, इतना 600 पॉइंट नीचे आया और उसका प्रॉफिट आप एक बार लोगे नहीं प्रॉफिट। तो मैंने तो शॉर्ट स्क्वायर कर दिया और छोटा सा माइनर एकदम पोजिशन बनाया है लॉन्ग का। अगर कल गैप डाउन होता है तो ठीक है, लॉस में निकाल लूंगा, उसमें कुछ नहीं। बट यहाँ से डाउनसाइड मुझे नहीं लगती, और ज्यादा डाउनसाइड तो लगती नहीं है मुझे। मुझे लग रहा है बाउंस बैक आना चाहिए अच्छा खासा। एक तो ये लेवल है 20,210 का, ये जो आज का हाई बनाया है उसके ऊपर जाएगा तो बाउंस बैक। ओके, कितना बाउंस बैक आएगा? तो आइडियली इलियट वेव क्या बोलता है? आइडियली इलियट वेव बोलता है बाउंस बैक आता है फोर्थ वेव तक, और 20 to 430, तो उतना बाउंस बैक। अगर बाउंस बैक में जाता है मार्केट 20 to 200 के ऊपर तो 22 430 तक आ सकता है। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाइज देखेंगे तो कितना आ सकता है, तो लेट्स सी फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ओके, तो फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो, ओके, सो फिबोनाची वाइज अगर 50%, देखो यूजुअली अब ये कौन से वेव में जा रहा है, तो आइडियली आइदर दिस इज सेकंड और दिस इज वेव बी। ओके, सो क्या हो सकता है अभी आइडियल काउंट क्या हो सकता है? तो आइदर दिस इज ए हो गया, फिर बी में बाउंस और फिर सी नीचे जाएगा लाइक दैट। ओके, और अल्टरनेटिवली क्या हो सकता है कि ये हो गया फर्स्ट वेव अपना, फॉल का फर्स्ट वेव हो गया यहाँ पे, फिर सेकेंड वेव ऊपर जाएगा, फिर थर्ड 3 4 5 नीचे। इन आइदर केस 50% रिट्रेसमेंट तो मुझे दिखता है जो आता है 22,430। अगर 61% रिट्रेसमेंट आ गया तो 512 तक, तो नेक्स्ट दो चार दिन में 22,430 से 22,512 तक का रिट्रेसमेंट आते हुए मुझे दिख रहा है। तो वो क्या फॉर्म में आएगा, क्या फास्ट आएगा या स्लो आएगा, वो तो हम लोग बता नहीं सकते। करेक्शन कौन से मोड में आएगा? देखो सेकेंड वेव का करेक्शन है अभी, सेकेंड वेव और बी वेव, तो उसका मोड हम नहीं बता सकते। अभी मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि यहाँ से एक पुल बैक आएगी और वो 22,430 तक जा सकती है, राइट? आइडियली 22,430 तक जानी चाहिए, उससे ज्यादा भी जा सकती है, यस। सो इसलिए मैंने शॉर्ट काट के गया हूँ, राइट? अभी वो एबीसी आएगा, WXY आएगा, क्या फॉर्म आएगा वो तो मार्केट जाने। आइडियली वेव बी या वेव टू में जिगजैग रहता है, आइडियली आइडियली जिगजैग ही रहता है, बट इट कैन टेक WXY एनी फॉर्म। वो तो हम कल मार्केट में, लाइव मार्केट में बैठेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होगा। तो फिलहाल तो रिट्रेसमेंट दिख रही है और 22,430 से 22,512 का जो जोन है उसके बीच। और हाँ, तो प्राइस वाइज तो मैंने बता दिया कितना रिट्रेसमेंट है। ओके ओके, इनवैलिड कब होगा कि? तो देखो अगर ये लो ब्रेक होता है ना, ये कौन सा लो है, 22,124 समझो जो अपना सपोर्ट है, वो ब्रेक होता है तो नीचे में डाउनसाइड और थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, बट ज्यादा डाउनसाइड नहीं लग रही मुझे। 21,970 का जो लेवल है उसके नीचे मुझे अभी जाते हुए दिख नहीं रहा मार्केट, राइट? बट मुझे तो लग रहा है कि एक शार्प पुल बैक आनी चाहिए, डाउन में देख ही नहीं रहा हूँ अभी फिलहाल, शॉर्ट टर्म, आई मीन नेक्स्ट 2 दिन के लिए, नेक्स्ट 2 3 दिन के लिए बाउंस बैक दिख रहा है मुझे। सेम विद बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी देखो ओवरसोल्ड जोन आ गया, राइट? वेव कॉन टू मेरा बेरिश ही है, मीन्स जाना तो नीचे ही है। और देखो ये ब्रेकआउट फेल हो गया, ये ब्रेकआउट फेल हो गया है, राइट? ये वाला ब्रेकआउट जो आया था वो फेल हो गया है। देखो हमने क्या बोला था, ये देखो ब्रेकआउट के बाद 1 2 3 दिन, ये वाली कैंडल के बाद जो मूव 1 दिन में होना चाहिए था वो 3 दिन में हो रहा है, यस। इसलिए हमने बोला कि ये तो रिवर्स करेगा, मार्केट नीचे ही जाएगा, क्लियर? यहाँ पे मैं क्लियर बोला मैंने, मार्केट को नीचे ही जाना, और नीचे गया मार्केट। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ इलेट वेव दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता। तो बैंक निफ्टी में भी बाउंस बैक लग रहा है, बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है? ओके, तो देखो यहाँ पे, ये देखो बैंक निफ्टी में भी, और ये देखो हायर बॉटम बना के ब्रेकआउट दे दिया, निफ्टी में भी वही किया है शायद। देखो हायर बॉटम बना के ब्रेकआउट दे दिया है, बट कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी, ओके हाँ डाइवर्जेंस भी है। वन मोर थिंग, देयर इज अ डाइवर्जेंस इन निफ्टी, बैंक निफ्टी।
तो ये तो क्लियर साइन है बॉस, बॉटम फॉर्मेशन का, शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्मेशन का ये तो क्लियर साइन आता है जब निफ्टी बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस आता है, राइट। सो देयर इज डाइवर्जेंस बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस है। सॉरी, ये देखो क्या डाइवर्जेंस है। देखो, निफ्टी ने नया लो बनाया और बैंक निफ्टी ने, ओके सॉरी 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 सॉरी, हाँ दोनों जगह निफ्टी आ गई। ओके सो देखो, ये डाइवर्जेंस, बैंक निफ्टी में हायर लो बनाया और निफ्टी में लोअर लो बनाया, सो इंटर मार्केट डाइवर्जेंस आ गया। यस, इंटर मार्केट डाइवर्जेंस इज मोस्टली अ साइन ऑफ रिवर्सल। तो यहाँ से रिवर्सल आएगा, यहाँ से बाउंस बैक आएगी, बॉटम बन गया है मेरा तो मानना है, तो मैंने शॉर्ट काट दिया, छोटा लॉन्ग पोजिशन लेके गया हूँ। ये इंटर मार्केट देखो, ये सिर्फ इलेक्ट थ्योरी बताएगा आपको, बाकी कोई नहीं। हाँ, डाउ थ्योरी बताती है, लेकिन डाउ थ्योरी आपने पूरी पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी है ना। डाउ थ्योरी बहुत बताती है ना कि इंटर मार्केट डाइवर्जेंस अगर आता है तो मींस ट्रेंड कंफर्म नहीं होता है। ये डाउ थ्योरी का है प्रिंसिपल, और इलेक्ट वेव भी यूज करते हैं हम लोग इसमें, राइट। तो निफ्टी बाय बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस है तो मार्केट में पुल बैक आएगी, बॉटम आज बन गया है शॉर्ट टर्म, और मेरा तो व्यू है कि यहाँ से एक अच्छा पुल बैक आना चाहिए। सेम विथ फिन निफ्टी, फिन निफ्टी में भी मुझे लग रहा है बॉटम बन गया और एक पुल बैक आनी चाहिए, तो नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए पुल बैक आएगी। और देखो देखो, फिन निफ्टी में भी देखो हायर बॉटम बना है, फिन निफ्टी में भी देखो ना हायर बॉटम बना इंट्राडे पे, बैंक निफ्टी में लोअर बॉटम बना इंट्राडे पे, तो बैंक और फिनेंस में हायर बॉटम बना है, तो यानी पुल बैक तो आनी चाहिए मार्केट। आईटी में क्या लग रहा है? आईटी तो वीक ही है, आईटी नीचे 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 भाई, लेकिन एक बाउंस बैक तो आएगा आईटी में यहाँ से एक, बट स्टिल आईटी इज वीक, आईटी इज अभी भी आईटी वीक है बस। मींस क्या बोले अभी आईटी को, एक बार मुझे यहाँ पे लगा था, मैं बोल ऐसे नहीं बोलूंगा, मुझे यहाँ पे लगा था कि बॉटम बन के ऊपर जाना चाहिए, बट ये जो प्राइस एक्शन देखा ना ये, तो मैंने मेरा व्यू चेंज कर दिया कि नहीं भाई, बॉटम नहीं बनाया और नीचे जाना है आईटी को, राइट। सो अभी भी आईटी का बॉटम नहीं बना है, थोड़ा बहुत मे बी कल बॉटम बन सकता है आईटी का और पुल बैक आएगी, बट आईटी वीक है। ओके, पीएसयू बैंक्स, तो पीएसयू बैंक्स आर वीक डेफिनेटली, बट मे बी शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है। मिड कैप मे बी सम पुल बैक, स्मॉल कैप अभी भी स्ट्रांग है, मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी स्ट्रांग है। ओके, ये एक सेक्टर मेटल जो मेरा फेवरेट सेक्टर है, अभी भी देखो 13 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि मेटल का टॉप अभी भी हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक, यस स्टॉक स्पेसिफिक क्या है, तो देखो जिंदाल स्टील तो या जिंदाल स्टील, जिंदाल स्टील इज वेरी स्ट्रांग, इसमें अभी भी हुआ नहीं है टॉप, 13 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया, तो ये ऊपर भागेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में टॉप हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील में टॉप हो गया, राइट। तो जेएसडब्ल्यू स्टील वीक है, पुल बैक आ सकती है, लेकिन पुल बैक में आई थिंक एक बार एग्जिट कर लो, क्योंकि नीचे की तरफ थोड़ा आएगा। अगर देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है हो तो ये तुम्हारा स्टॉप लॉस 777 है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो एक बार नीचे आ सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो कोई टेंशन ही नहीं है बस इसमें, राइट। जिंदाल स्टील अभी भी स्ट्रांग है, एनएमडीसी भी स्ट्रांग है, हिंडाल्को भी स्ट्रांग है, हिंदुस्तान कॉपर स्ट्रांग है, वेदांता तो सुपर स्ट्रांग है, इसको तो हाथ ही नहीं लगाना, वेदांता को छू ही मत, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो वेदांता छू मत, हिंदुस्तान कॉपर को भी हाथ मत लगाओ अभी फिलहाल, जब तक 13 डे के नीचे नहीं आता। टाटा स्टील थोड़ा वीक है, तो मैंने माइनर पोजिशन ही एग्जिट किया है, सेल में अभी भी ओके है, नॉट बैड, नेशनल एल्यूमिनियम इज स्टिल स्ट्रांग। ओके, डाउ में क्या लग रहा है, तो डाउ में देखो बॉटम बन गया, बॉटम बन गया है ना, शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया, देखो करेक्शन तो आएगा बट रोज नीचे नहीं जाएगा ना मार्केट, तो 2-3 दिन तो पुल बैक आएगी ना, तो यहाँ पे डाउ में पुल बैक आएगी तो अपने मार्केट में भी आएगी, थोड़ा बहुत पुल बैक ओवरऑल ग्लोबली मुझे लग रहा है,
उसके बाद ही फॉल आएगा। तो अभी लेट्स प्ले द पुल बैक, राइट, ग्लोबली पुल बैक आएगी, आई फील सो। तो शॉर्ट टर्म में बॉटम बनाए। और आज देखो ब्रेड्थ, आज ब्रेड्थ थोड़ी पॉजिटिव है, राइट। तो 55% एडवांस थे और 41% डिक्लाइन। सो यानी आज एडवांस ज्यादा है, मार्केट तो नीचे, कितना नीचे है आज, तो इतना नीचे गया और इंट्राडे पे भी नया लो बनाया, फिर भी मार्केट में एडवांस डिक्लाइन अच्छा है, एडवांसेस आर मोर देन डिक्लाइन। तो देखो हमने यहाँ पे बात की थी कि मार्केट में एडवांस डिक्लाइन खराब है और डिक्लाइंस वेर मोर, बराबर। यहाँ पे ज्यादा डिक्लाइंस थे एडवांस से, एडवांस से ज्यादा डिक्लाइन यहाँ पे थे तो टॉप बन गया। यहाँ पे एडवांस ज्यादा है डिक्लाइन से, मार्केट नीचे होने के बावजूद भी, रेड होने के बावजूद भी, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है और एक अच्छा खासा पुल बैक आना चाहिए। दैट इज माई व्यू। और मैं वो पुल बैक ट्रेड करूंगा, मैं तो पुल बैक ट्रेड करूंगा। छोटा पोजिशन लिया है मैंने ऑब्वियसली, क्योंकि एक तो अगेंस्ट द डायरेक्शन ट्रेड कर रहे हैं, अभी डायरेक्शन नीचे वाली है और यार इंपल्स आएगी नहीं पता ना, राइट। क्योंकि एबीसी, एक से एबीसी जाएगा तो कॉल का प्रीमियम आपका डीके होगा, राइट। मैं तो ऑप्शन बायर हूँ, तो कॉल का प्रीमियम डीके होता है अगर एबीसी, एक से एबीसी करके ऊपर आ गया। तो मैंने छोटी पोजिशन ली है, ज्यादा रिस्क नहीं लिया, बट एक तो आएगा बाउंस बैक, अच्छा खासा आएगा। 22,430 तक तो मुझे दिखता है बाउंस बैक, मिनिमम उतना आना चाहिए। अगर हम 22,200 क्रॉस कर देते हैं कल, 22,220 के ऊपर जाते हैं, तो 22,430 तक का बाउंस बैक मुझे आते हुए दिख रहा है। उसके बाद देखेंगे हम शॉर्ट करना है कैसे करना है, मैं तो अपडेट करते रहूंगा, मैं तो रोज अपडेट करता हूँ, राइट। बट आप यार वीडियोस को ज्यादा लाइक शेयर नहीं कर रहे हो, व्यूज नहीं आ रहे, तो या तो मुझे यूट्यूब पेड करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन डालना पड़ेगा, या फिर बंद करना पड़ेगा यार। मीन व्यू नहीं आएंगे तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मीन किसके लिए कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिलता इसमें, कुछ नहीं। आप बोलोगे एड रिवेन्यू, कुछ नहीं होता एड रिवेन्यू, महीने का 1,000 रुपया भी नहीं होता है, तो क्यों मेरा टाइम बर्बाद करूं मैं, राइट। सो शेयर मैक्स, लाइक मैक्स, यस, एंड मेक दिस चैनल वायरल। और आपको अगर सीखना है, अगर सीखना है रिलेट व्यू प्राइस एक्शन, देन डेफिनेटली यू कैन लर्न फ्रॉम अस। आप चाहिए तो पहले ये सीख लो रिकॉर्डेड कोर्सेज, उसके बाद आपको मेंटरशिप बैच में आना है तो नेक्स्ट मंथ आ जाओ। यस, आज लास्ट डे है। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग, कीप अर्निंग विद अस। दिस इज अस दिखित साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन।